कहते हैं जल ही जीवन है, और जब यही जल बोतल में बंद होकर कई गुना दाम पर बिकता है तो आपके जीवन को संकट में भी डाल सकता है। बाजार से मिलने वाली बोतल बंद पानी, जिसे आजकल स्टेटस सिंबल भी माना जाने लगा है, आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। सिर्फ यही नहीं, लंबे समय तक बोतल बंद पानी पीना आपको कैंसर भी दे सकता है। आज के आधुनिक युग में जहां औद्योगिकीकरण और प्रदूषण के कारण नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं, ऐसे में सेहत के मद्देनजर लोगों का रुझान मिनरल वाटर और पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर की तरफ बढ़ा है। दुनिया में लोग जल्दी और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मिनरल वाटर के नाम पर गुमराह करके कुछ भी बेच देते हैं। ऐसे में यदि आप मानते हैं कि भारत में बोतल बंद पानी सुरक्षित है, तो एक बार फिर से सोचें। कोई नहीं चाहता कि आप ढक्कन के नीचे बंद पानी का राज जानें। इसलिए आज की वीडियो देखकर अपने दिमाग के ढक्कन खोल लीजिएगा। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं आरओ संचालकों की। जी हाँ, वही जो रोज हजारों लीटर की पानी की सप्लाई दुकानों, घरों और शादी विवाह समारोह में करते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि पानी के मानक स्तर को तवज्जो ना देकर अधिकतर आरओ वाटर प्लांट केवल पानी ठंडा करके बेच रहे हैं। एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए, देखिए कैसे प्लास्टिक वाटर जग में आरओ पानी भरा जा रहा है। पानी के डब्बों पर नंगे पैर खड़े होकर कर्मचारी डब्बों में पानी भर रहे हैं, वहीं पानी पैर से होकर डब्बों में जा रहा है, जिसके बाद गाड़ियों में रखकर ये पानी आपके घरों, ऑफिसेस और दुकानों में पहुंचा दिया जाएगा। पटना में जब फुटवेयर कंपनी के मैनेजर ने आरओ प्लांट से आए डब्बे से पानी की बोतल में पानी भरकर पिया, तो उसके मुंह में सांप का बच्चा चला गया। यानी जिस टंकी में पानी रखा जाता है उसे साफ भी नहीं किया जाता। अगर आप भी ऐसा पानी पीते हैं तो पीने से पहले पानी की जरूर जांच कर लीजिएगा, और जिस प्लांट से आपके पास पानी आता है वहां जाकर समय समय पर जांच जरूर करें और जानने की कोशिश करें कि पानी का कितना TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड है, और जो जीवाणु रहित है या नहीं, उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच की जाती है कि नहीं, व पीने का कौन सा पानी वो आपको दे रहे हैं, वाटर प्लांट का स्वास्थ्य विभाग से रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, प्लांट में आरओ मशीन है या केवल वाटर ट्रीटमेंट से काम चला रहे हैं। इसके अलावा 1 या 2 रुपए के पानी के पाउच पर एक्सपायरी डेट लिखी होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे मत खरीदिए। ये पाउच पर्यावरण को खराब करने के साथ साथ आपकी सेहत पर भी बहुत बुरा खराब असर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर पर वाटर प्यूरीफायर या आरओ मशीन लगवाना चाहते हैं या लगा रखी है, तो ये बात जान लें कि अधिक मात्रा में पानी में घुलित खनिजों यानी कि TDS की मात्रा का डर दिखाकर कंपनी और डीलर्स धड़ल्ले से आरओ प्यूरीफायर बेच रहे हैं। इनका निर्माण ऐसे क्षेत्रों में किया गया है जहाँ पानी में TDS के अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए सिर्फ TDS को पानी की गुणवत्ता का मापदंड मानकर आरओ खरीदना सही नहीं है। जिन जगहों पर पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल का पानी सीधे पिया जा सकता है। इसके बावजूद अगर आपको आरओ या वाटर प्यूरीफायर लगाना है तो किसी प्रतिष्ठित कंपनी से ही लें। सस्ते के चक्कर में गली मोहल्लों में घूमने वालों से ना खरीदें, वरना आपको नकली सामान बेच दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आरओ के पानी का लगातार इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम नष्ट करता है, इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। पानी में कई जरूरी तत्व फिल्टर होने के दौरान नष्ट हो जाते हैं। पानी का क्लोरीनेशन होना बहुत जरूरी है, जिससे बैक्टीरिया तो नष्ट हो जाता है लेकिन मिनरल्स पर कोई असर नहीं पड़ता। आमतौर पर हम सभी ने कई ग्राहकों को दुकानदार से ये कहते हुए सुना होगा कि भैया मिनरल वाटर देना, लेकिन सही मायने में आप जो पानी खरीद रहे हैं क्या वो मिनरल वाटर है? आमतौर पर हम जो पानी बाजार से खरीदते हैं वो मूल रूप से 2 तरह के होते हैं, एक पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर और दूसरा मिनरल वाटर। आमतौर पर हम जो पानी खरीदते हैं वो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है, ना कि मिनरल वाटर। अब सवाल उठता है कि दोनों में अंतर क्या है। साधारण भाषा में समझें तो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर असल में पीने का साफ पानी है। बस हम 20-30-40 रुपए की कीमत अदा करके जो भी पानी खरीद रहे हैं वो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर ही है। ये नल के पानी को प्यूरीफाई करके तैयार किया जाता है, कुछ वैसे ही जैसे घर में लगे वाटर प्यूरीफायर से पानी साफ करते हैं।
कंपनियां पानी को प्यूरिफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करती है और फिर बोतल में पैक कर देती है। इस पानी में मिनरल्स यानी खनिज तत्व सामान्य होते हैं। इसके उलट मिनरल वाटर पर कंपनी थोड़ी ज्यादा मेहनत करती है। नाम मिनरल वाटर है तो इसमें खनिज तत्वों का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये पानी ऐसे प्राकृतिक स्रोतों से लिया जाता है जहाँ पानी में लाभकारी खनिज तत्व होते हैं। इसके अलावा जब इस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है तब इनमें अलग से खनिज तत्व मिलाए जाते हैं। तकनीकी तौर पर यह पानी स्वाद और सेहत दोनों में बेहतर है, लेकिन इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। आमतौर पर बाजार में मिनरल वाटर की एक बोतल 100 रुपए से ज्यादा की कीमत पर मिल जाती है। पानी खरीदते वक्त बोतल की पैकेजिंग और इसके साथ लगे टैग पर ध्यान दें। जिस बोतल पर IS 14543 का मार्क हो वो पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर है। यदि बोतल पर IS 13428 का मार्क हो तो सीधा सा मतलब है कि ये मिनरल वाटर है। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ट्रेन यात्रा के दौरान प्यास लगते ही यात्री पैक्ड वाटर बॉटल की खरीद कर लेता है और फिर पानी पीने के बाद फेंक देता है। उसी बोतल को जमा करके फिर से पानी पैक करके यात्रियों को बेच दिया जाता है। आपने जरूर बाल्टी में बोतल रख कर बेचते हुए लोगों को देखा होगा ना। हम जागरूक होने के नाते बस इतना देखते हैं कि बोतल सील पैक है या नहीं। इन लोगों के पास ऐसे तमाम जुगाड़ होते हैं जो यूज्ड बोतल को फिर से सील पैक कर देते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर इन लोगों का रैकेट सक्रिय रहता है। हाल ही में 300 से अधिक स्थानों पर रेड मारी गई। इस दौरान 4 पेंट्री कार के प्रबंधक समेत 800 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 48,860 बोतलें बरामद की गई। इसलिए जब भी मिनरल वाटर या पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर यूज करें, बोतल को अच्छी तरह से क्रश करके ही फेंकें। हो सके तो उस पर लगे कंपनी के लेबल और ढक्कन को अलग अलग फेंके। मिनरल वाटर या पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर रेलवे स्टेशन पर ऑथराइज्ड वेंडर शॉप से ही खरीदे। चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं जानी मानी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले बोतल बंद पानी की। सुरक्षित और साफ समझे जाने वाले मिनरल वाटर और पैक्ड वाटर बॉटल उतने सेफ नहीं है जितना हम समझते हैं। ऐसा हम नहीं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने चेतावनी जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि बॉटल बंद पानी लगातार पीने से कैंसर, दांत कमजोर, गंजापन, आंत व किडनी की बीमारी हो सकती है। ये सिर्फ अनुमान नहीं है बल्कि BARC की स्टडी में साबित हो चुका है। BARC ने मुंबई में बिकने वाले पानी की 18 कंपनी के 5-5 सैंपल जांच के लिए लिए। उनका जब विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया तो पाया कि बॉटल में ब्रोमेट नाम के केमिकल की मौजूदगी मानक से 27% ज्यादा थी। WHO के मुताबिक 1 लीटर पानी में 4 mg से ज्यादा ब्रोमेट जहर का काम करता है। ब्रोमेट के अलावा उस जांच में क्लोराइट और क्लोरेट भी पाए गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिस नल के पानी को आप पीने के लिए सेफ नहीं समझते उसमें ये हानिकारक केमिकल नहीं पाए जाते, लेकिन इन बड़ी बड़ी कंपनीज द्वारा पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस के दौरान ये केमिकल पानी में घुल जाते हैं। सरकार ने पानी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मापदंड बना रखे हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या कंपनीज इन नियमों का पालन कर रही है? अगर नहीं तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है? आपके घर में आने वाले नल के 1 लीटर पानी की कीमत लगभग 7 पैसे है, जबकि कंपनीज 1 लीटर पानी 20 रुपए में बेचती है, जो आपको नुकसान भी पहुंचाता है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण पैकेजिंग की वजह से बोतल बंद पानी का मूल्य बढ़ जाता है और तो और 1 लीटर पानी को शुद्ध करने में करीब 2 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा धूप सेहत के लिए जितनी आवश्यक है बोतल बंद पानी के लिए उतनी ही खतरनाक है। कंपनीज बोतल पर यह तो लिख देती हैं कि बोतल को धूप से दूर रखें, पर यह नहीं बताती क्यों। दरअसल प्लास्टिक की बोतलों को मुलायम बनाने के लिए खास रसायन पैथलेट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण उपभोक्ता इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये रसायन लोगों के शरीर के अंदर पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाता है। दरअसल सामान्य से थोड़ा अधिक तापमान में आते ही पैथलेट्स पानी में घुलने लगता है और पानी को सेहत के लिए खतरनाक बना देता है। इसलिए दुकानों वगैरह जहां बाहर धूप में बॉटल सजा कर रखी जाती है ना, वहां बॉटल मत खरीदिए। तो आपने क्या सोचा, क्या बोतल बंद पानी से दूर रहना चाहिए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनीज नियमों का उल्लंघन कर रही है और बोतल बंद पानी सेहत के लिए एकदम से खराब है। जरूरत है तो बोतल बंद पानी को लेकर जागरूक रहने की। जब तक सरकार पानी और सेहत को लेकर बनाए गए नियम, कानून और मानकों को सख्ती से लागू करके इस पर निगरानी नहीं रखेगी, तब तक मुनाफाखोरी में लगी कई कंपनीज लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आएगी। लोगों को चाहिए कि सही बोतल बंद पानी खरीदें और इसके इस्तेमाल में लापरवाही न बरतें।
उम्मीद है हमारे द्वारा लगातार दी गई जानकारी आपके जरूर काम आ रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अपने हर चाहने वाले तक इसकी जानकारी पहुंचा देना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।